न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ और टर्मिनोलॉजी निकल के आती है, जैसे बोर। बोर इंजन सिलेंडर जो भी होता है हमारे पास, उसके इंटरनल डाया को बोलते हैं बोर, ठीक है ना। तो बोर होता है इंटरनल डाया ऑफ इंजन सिलेंडर, ठीक है। तो आप बोर को, जैसे आपके पास कोई ब्लॉक डायग्राम अगर मैं बनाऊं इसका, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। किसी भी इंजन का जो ब्लॉक डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से बनता है। ये आपके पास अगर इसमें पिस्टन है, इससे आपके पास कनेक्टिंग रॉड रहता है, तो कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होगा और कनेक्टिंग रॉड के बाद क्रैंक कनेक्ट होगा। और ये क्रैंक रोटेशन करेगा, तो इसका जो पाथ होगा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास वर्टिकल इंजन सिलेंडर है, हॉरिजॉन्टल भी रहते हैं। तो बोर क्या होगा, बोर आपके पास सिंपली ये होगा जो डाया है इंजन सिलेंडर का। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक होता है हमारे पास दो, यहां पर डेटम सेंटर होते हैं, TDC और BDC। ये वो एक्सट्रीम पोजीशन होती हैं जहां तक पिस्टन मूव कर सकता है। तो अगर आप बात कर रहे हैं स्ट्रोक की, तो स्ट्रोक होता है TDC से BDC के, हो TDC से BDC के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। सो आप बोल सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, इसको आप एल से शो करते हैं, इस एल से शो करते हैं। और जो ये क्रैंक रॉड है इसकी लंबाई आर है, सपोज ये क्रैंक है, क्रैंक रेडियस भी बोलते हैं। तो इसको आप एल इज इक्वल टू 2 आर लेते हैं इन मोस्ट केसेस। सभी जगह ये अप्लाई नहीं होता है, ओनली फॉर फ्यू केसेस। स्ट्रोक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है डेटम सेंटर। डेटम सेंटर या फिर डेड सेंटर्स, ये आपके पास डिपेंड करता है। अगर आपके पास वर्टिकल इंजन सिलेंडर है तो उसमें TDC और BDC होगा। वर्टिकल के लिए TDC और BDC, और अगर हॉरिजॉन्टल है तो IDC और ODC। अगर बात करें डेटम सेंटर क्या होता है, तो डेटम सेंटर वो एक्सट्रीम पोजीशन होती है किसी भी पिस्टन की जहां तक वो मूव कर सकता है, ठीक है ना। सो द डेटम सेंटर इज द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पिस्टन अप टू विच इट कैन मूव। और TDC की बात करें तो जो आपके पास ये सारे वर्टिकल इंजन सिलेंडर के लिए, TDC और BDC जैसे कि मैंने यहाँ पर शो करा है, तो ये वो पोजीशन है, TDC वो पोजीशन है पिस्टन की, ये आपके पास टॉप मोस्ट पोजीशन होती है पिस्टन की जहां तक वो मूव कर सकता है, इससे आगे वो मूव नहीं कर सकता है। तो यहां पर द टॉप मोस्ट एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ द पिस्टन इज अ टॉप डेड सेंटर ऑफ दैट पिस्टन। ऐसे ही BDC की बात करें तो BDC में होता है द लोवेस्ट पोजिशन ऑफ द पिस्टन अप टू विच इट कैन मूव ड्यूरिंग रेसिप्रोकेटरी मोशन इन साइड द इंजन सिलेंडर। तो BDC आपके पास लोवेस्ट पोजीशन है जहां तक पिस्टन मूव कर सकता है, उससे आगे वो मूव नहीं कर सकता। सेम ऐसा ही होता है आपके पास जब आप हॉरिजॉन्टल सिलेंडर की बात करते हो। हॉरिजॉन्टल सिलेंडर में क्या होता है, कुछ इस तरीके से पिस्टन होगा। और ये पिस्टन जो होगा वो कनेक्टिंग रॉड के साथ होगा और कनेक्टिंग रॉड क्रैंक के साथ। तो कुछ इस तरीके से आपके पास वर्टिकल इंजन सिलेंडर होते हैं। ये आपके पास इसमें जो लिमिट होती है, इनर मोस्ट एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड IDC, और आउटर मोस्ट एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पिस्टन इन हॉरिजॉन्टल इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड ODC। तो ये आपके पास डेटम सेंटर होते हैं। नाउ और जो कुछ टर्म आते हैं जैसे वॉल्यूम को लेकर,
सबसे पहला जो टर्म अगर मैं लूं तो क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम ये वॉल्यूम होता है जहां पर आपका कंबशन होता है, यहां पर कंबशन चैम्बर होता है। क्लियरेंस वॉल्यूम में आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्लियरेंस वॉल्यूम इज द वॉल्यूम कंटेन्ड बाय द सिलेंडर, इंजन सिलेंडर अबव टॉप डेड सेंटर एंड बिलो द इंजन सिलेंडर, बिलो द सिलेंडर हेड, ठीक है ना, बिलो द सिलेंडर हेड। तो क्लियरेंस वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो टीडीसी से ऊपर और सिलेंडर हेड से नीचे होता है। तो जितना भी वो वॉल्यूम होता है, ये सारा वॉल्यूम, ये आपके पास क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। फिफ्थ जो टर्मिनोलॉजी है वो ये हो सकती है कि स्वेप्ट वॉल्यूम या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो पिस्टन द्वारा कवर किया जाता है जब वो टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करता है। तो आप बोल सकते हैं द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पिस्टन फ्रॉम वन डेटम सेंटर टू अनदर, या फिर फ्रॉम टीडीसी टू बीसी बीडीसी, या फिर फ्रॉम आईडीसी टू ओडीसी। तो ये जो भी वॉल्यूम होगा पिस्टन द्वारा कवर किया गया, वो सारा आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम होगा या फिर स्वेप्ट वॉल्यूम होगा। टोटल वॉल्यूम, अब बात करें टोटल वॉल्यूम कितना होगा किसी इंजन सिलेंडर का, मींस द टोटल वॉल्यूम कंटेन्ड इन अ सिलेंडर इज वीसी प्लस वीएस। ये पूरा वीएस है टीडीसी से पीडीसी तक और ये वीसी है, तो जो टोटल वॉल्यूम बनेगा वो होगा वीसी प्लस वीएस। अब कुछ रेशियो पर बात आती है कि रेशियो क्या होता है, अगर हम पूछें कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो वो रेशियो होता है जो टोटल वॉल्यूम किसी भी इंजन के टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम के कंपेयर में जो भी रेशियो निकल के आएगा उसे आप बोलते हैं क्लियर कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको मतलब कंप्रेशन रेशियो की जरूरत तब पड़ती है, इससे हमें पता चलता है कि पिस्टन का साइज कितना है या फिर पिस्टन की एफिशिएंसी कितनी है। एक लिमिट तक अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ता है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आगे देखेंगे हम ये सारी चीजें। तो कंप्रेशन रेशियो जो है ये वी टी अपॉन वी सी, वी टी यानी वी टोटल, तो वी टोटल हमें पता है वी सी यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन वी सी, और हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस वी एस अपॉन वी सी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो रेशियो आता है वो आता है आपके पास क्लियरेंस रेशियो, क्लियरेंस रेशियो, क्लियरेंस रेशियो होता है वी सी अपॉन वी एस, ठीक है ना। क्लियरेंस रेशियो होता है आपके पास वी सी अपॉन वी एस, इसको आप सी से शो कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम रिलेशन की बात करें, कंप्रेशन रेशियो को आप आर से शो कर सकते हैं या फिर कई बार गामा से शो कर दिया जाता है। तो अगर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी एस अपॉन वी सी है तो ये 1 अपॉन सी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि अगर रिलेशन की बात करें कंप्रेशन रेशियो और क्लियरेंस रेशियो के बीच में, तो वो आएगा कुछ गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन सी। कुछ और टर्म है जैसे क्रैंक थ्रो, क्रैंक थ्रो, क्रैंक थ्रो क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द क्रैंक शाफ्ट सेंटर एंड द क्रैंक पिन, क्रैंक पिन और क्रैंक शाफ्ट के डिस्टेंस को, के बीच के डिस्टेंस को जिसे मैंने क्रैंक रेडियस कहा, उसे क्रैंक थ्रो भी बोलते हैं। इसे भी आप आर से ही शो करेंगे। वन मोर टर्म पिस आपके पास पिस्टन स्पीड,
देखो पिस्टन स्पीड क्या होती है, द स्पीड कवर्ड बाय द पिस्टन इन अ वन रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, या फिर आप बोल सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड ट्रेवल्ड बाय पिस्टन इन अ यूनिट टाइम, उसको आप बोलते हैं पिस्टन स्पीड। तो आपको पता है कि क्रैंक के एक चक्कर में पिस्टन पहले 180 डिग्री जाएगा, उसके बाद 360 जाएगा। जैसे ये यहाँ पर है पोजीशन, तो सबसे पहले जब ये जो क्रैंक है ये यहाँ से यहाँ तक घूमेगी, तो जो पिस्टन है वो टॉप TDC से BDC की ओर जाएगा। उसके बाद जब ये यहाँ से फिर यहाँ तक घूमेगा क्रैंक, तो फिर ये BDC से TDC की ओर जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है। तो अगर बात करें एक चक्कर की कि क्रैंक के एक चक्कर में पिस्टन कितना मूव करता है, तो क्रैंक के एक चक्कर में, या फिर बोलें इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक, पिस्टन जो है आपके पास 2L लेंथ कवर करता है। तो अगर बात करें एन रिवॉल्यूशन के लिए, तो एन रिवॉल्यूशन के लिए निकल जाएगा 2L। तो ये कुछ होता है आपके पास पिस्टन स्पीड, ठीक है ना। पिस्टन स्पीड होती है आपके पास मिनट पर मीटर। ना जो नेक्स्ट ही नेक्स्ट है आपके पास मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर वो प्रेशर होता है जब हमारे पास कंबशन होता है यहाँ पर, और उसके कारण जो भी हमें फ्यूल बर्न होता है उससे जो भी एनर्जी मिलती है पिस्टन को, वो एनर्जी पिस्टन को धकेलने में जो भी लगती है, तो एक प्रेशर बना रहता है, एक दबाव क्रिएट होता है। उस दबाव की वैल्यू को निकालने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल प्रेशर का सहारा लेते हैं, जिसे कि हम बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। ये उस एक्चुअल प्रेशर के बराबर माना जाता है जो कि पिस्टन को वर्क देता है, जो कि पिस्टन को पावर स्ट्रोक में वर्क देता है, ठीक है ना। तो एक ही स्ट्रोक होता है जिसमें हमें पावर मिलती है, बाकी सारे स्ट्रोक सक्शन कंप्रेशन और एग्जॉस्ट ऐसे स्ट्रोक होते हैं जिनमें हमें पावर नहीं मिलती है। तो उसी स्ट्रोक की बात हो रही है जिसमें आपको कुछ प्रेशर मिलता है, तो उसी प्रेशर को मान लिया जाता है कि वो मीन इफेक्टिव प्रेशर, ताकि कैलकुलेशन हो पाए। कैलकुलेशन में क्या करते हैं, अगर मुझे वर्क निकालना है तो मैं लिखता हूँ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं पिस्टन के एक डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करूं, यानी TDC से BDC की ओर बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ पावर स्ट्रोक की बात कर रहे हैं जिस टाइम इस पर कंबिशन हुआ होगा, तो वो लेंथ होती है L, ठीक है। ये लेंथ सपोज L है, जैसे कि मैंने बताया था ये स्ट्रोक लेंथ होती है। फोर्स क्या होता है, प्रेशर अपॉन एरिया। अगर ये प्रेशर फोर्स है तो ये होगा प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कौन सा ले रहे हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर। और एरिया होगा अगर इसका डाया डी है, जैसे कि हम बोर बोलते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एल। यहां से आप मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू निकालें अगर यहां से, तो वो आएगी PM इज इक्वल टू 4W पाई डी स्क्वायर एल, ऐसा कुछ आएगा। तो जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो आपके पास प्रेशर को कैलकुलेट करने में जरूरी होता है, ठीक है ना। तो आई थिंक सारी टर्मिनोलॉजी हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।